Audio Jungle. Audio Jungle. Morning, my YouTube family. कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ अभी, बट 4-5 दिन से मैं अच्छी नहीं थी क्योंकि वायरल फीवर मुझे हो गया था अभी, जैसे कि सर्दी जुकाम, वेदर चेंज हो रहा है इसकी वजह से, तो मैं थोड़ा लो भी लग रही थी और अभी भी मतलब उतने अच्छे से ठीक नहीं हूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब रेगुलर जैसे काम करती हूँ उसको स्टार्ट करूँ, नहीं तो बस ऐसे ही पड़े रह जाने पे पता ही है आपको कि और ज़्यादा तबीयत ख़राब जैसा फील होता है। तो बस आज मैंने फ़ोन उठाया और मैंने सोचा कि नहीं यार चलो एक ब्लॉग शूट करते हैं। तो बहुत सारे मैसेज भी आ रहे थे कि अब आप ब्लॉग उतना नहीं डालती हैं, क्योंकि मैं देखिए हर दिन एक ही चीज़ दिखाने का कोई मतलब नहीं रहता है, इसलिए मैं हर दिन का ब्लॉग नहीं डालती हूँ। अगर किसी दिन बाहर जाती हूँ या फिर किसी दिन कुछ होता है शूट करने के लिए तो ही मैं ब्लॉग डालती हूँ, बट बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप ब्लॉग बनाइए, चाहे जैसे जो भी हो करती हैं आप पूरे दिन में वो वही दिखाइए बट ब्लॉग बनाइए। तो मैंने बस मोबाइल उठाया और बोला कि ठीक है भाई, जब इतने डिमांड है तो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर ही ब्लॉग बनाते हैं। तो अभी बस मैं रेडी हूँ, मेरा मॉर्निंग रूटीन सब कंप्लीट हो चुका है, बेटा पढ़ाई कर चुका है पढ़ाई करने बैठा है और मैं एज यूजुअल नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं नाश्ता कुछ अलग बना रही हूँ, नॉर्मली हम लोग ये डिनर में बनाते हैं खाने के लिए, हम लोग इसको बोझा बोलते हैं, दाल भर के आटे में बॉयल करके फ्राई करके बनाते हैं। वैसे मैं इसका शॉर्ट्स वीडियो भी रिकॉर्ड करने वाली हूँ तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो बिना बकबक किए और ज़्यादा आपको पकाए हुए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रेसिपी और बनाते हैं फटाफट, क्योंकि उसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस है तो टाइम भी लगने वाला है। तो बस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अच्छा बने, तो चलिए फिर बनाते हैं। सबसे पहले हमें चना दाल चाहिए, मतलब मैं जो कोझा बना रही हूँ उसको हम लोग मिक्सी में पीसेंगे। तो चलिए फटाफट से पहले इसको हम मिक्सी में डाल लेते हैं। वैसे चना दाल ज़्यादा ही मैंने भिगो के रख दिया था, मैंने रात में इसे सोक करने के लिए डाल दिया था क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग इसे बनाना था। अगर आप रात में बनाना चाहते हैं तो 3-4 घंटे के लिए भिगो के रख दीजिए, ये बहुत जल्दी भीग जाता है, उसको कोई ओवरनाइट रखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप रिलैक्स होकर अगर चाहते हैं कि चलो यार डाल देते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसको रात में ही भिगो सकते हैं। तो बस हमने इसे इसमें डाल दिया है, इसमें पानी नहीं डालना है, हमें जितना ड्राई हो सके उतना ड्राई ही इसे मिक्सी में एकदम पेस्ट बना के पीस लेना है। तो चलिए फटाफट से हम इसे पीस लेते हैं, है ना। और यही वो मिक्सी है जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था ना कि मैं मिक्सी लेने जा रही हूँ, तो ये वही मिक्सी है। तो चलिए फटाफट से इसको पीस लेते हैं। फाइनली ये हो चुका है, एक दो दाने जो है चना दाल के मैंने ऐसे ही रखा है, वो मुंह में आते हैं तो अच्छे लगते हैं, बाकी आपके ऊपर है, पूरा पीस भी सकते हो। और ये जो है वो पिसा के रेडी हो चुका है। अब हम एक मसाला बनाएंगे, तो इसी मिक्सी में मैं इसी जार में मैं मसाला पीस दूंगी, इसको धोऊंगी नहीं। मैंने हरी मिर्ची ली है, आई थिंक 10-15 होगी, मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है या फिर दाल में जाने के बाद वो वैसे भी स्पाइसी हो ही जाता है, मतलब सूना हो जाता है, तो थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए थोड़ा मसाला तो होना चाहिए ना। तो मैंने अदरक डाला, हरी मिर्च और ये जाएगा जीरा। मेरे पास वैसे लहसुन नहीं है, अगर आपके पास लहसुन है तो आप ज़रूर से ज़रूर डालिए, एक गुठा उसमें डालिएगा लहसुन का, उससे ही स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और थोड़ी सी काली मिर्च मैंने यहाँ पर डाली है, दैट्स इट। अब हम इसे थोड़ा सा पानी डाल के एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो फटाफट से ज़रा सा पानी डालूंगी मैं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पानी डालने से ठीक से पिसता भी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ही पानी डालूंगी मैं। एंड देन हम अपने मिक्सी को चला लेंगे फटाफट से। और ये हमारा मसाला रेडी है। एक्चुअली मैंने इसको दूसरे जार में ट्रांसफ़र कर दिया, छोटे वाले जार में, क्योंकि जार वो वाला बड़ा था और मसाला कम था, तो आई थिंक पीसने में थोड़ी परेशानी होती है, इसलिए मैंने दिमाग लगाया। और ये हमारा दाल रेडी है, ये हमारा मसाला रेडी है। अब हम इस दाल और मसाले को अच्छे से भूनेंगे। तो चलिए सबसे पहले कढ़ाई बैठाते हैं।
तो मैंने कढ़ाई बैठा दिया है, प्लीज़ इग्नोर माई कढ़ाई, ये बहुत ही ज़्यादा डार्क है क्योंकि बहुत पुरानी कढ़ाई है, बट ये पतली है तो मुझे इसमें आसानी लगती है बनाने में, फटाफट से बन जाती है, तो बस इसलिए मैंने इसको बैठाया है कि जल्दी से बन जाए। तो मैंने इसमें तेल डाल दिया है, जैसे ही हमारा तेल गर्म होगा हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, जब ये जीरा पॉप हो जाएगा तो आपको बताइए कि हमें क्या करना है। बस हमें डालना है अपना दाल, और यहाँ मैं गड़बड़ करती हुई, यहाँ पे पहले मुझे मसाला भूनना चाहिए था तो मैंने गलती से एक चम्मच दाल डाल दी, फिर मैंने बाद में अपनी गलती सुधारी और मसाला डाल के पहले उसको भूना और बाद में मैंने दाल को ऐड किया। और अब इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले। सूखे मसाले में मैंने डाला है हल्दी पाउडर, नमक डालेंगे और जीरा पाउडर और धनिया पाउडर मैंने मिक्स करके रखा है उसको डालेंगे। जीरा वैसे आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने पहले ही जीरा को पीस लिया है, तो आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, जीरा स्किप कर सकते हैं, बट मेरे यहाँ मिक्स था तो मैंने दोनों को डाल दिया। और उसके बाद इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक तेल छोड़ ना दे, और उसके बाद जब भुन जाएगा देन हम उसमें दाल मिलाएंगे। दाल को भी अच्छे से कम 5 मिनट के लिए पकाएंगे, और वो कढ़ाई में चिपकता है तो ध्यान से चलाते रहें उसे, छोड़ देने पे फिर कढ़ाई में बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वैसे ठंडी हो जाने के बाद वो छूट जाती है बट बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आप उसे चलाते रहेंगे। थोड़ा बहुत जो लगा रहेगा वो हम उसे बाद में भी ठंडा हो जाने के बाद अच्छे से निकाल लेंगे, लेकिन कोशिश करें कि आप दाल बहुत कम लगे कढ़ाई में। मसाला गया है, चुका है, डोंट वरी, ये जो साइड में लगा हुआ है ना ये सूख जाने के बाद ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो अब हम इसको ऑफ करते हैं, ठंडा होने देते हैं, और अब हम बनाएंगे अपना डो। डो बनाने में कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मल आटा को सान लेना है, बस लोहे का आटा सना गया है। अब सबसे पहले एक बर्तन में पानी डालेंगे, हमें इसको बॉयल करना है तो ऐसा बर्तन डालें जो थोड़ा गाढ़ा हो ताकि इसमें पानी अच्छे से आ पाए, मतलब गड्ढा हो, अच्छा खासा स्पेस हो। तो अब चलिए सबसे पहले भरते हैं हम लोग अपने गोझा को। सबसे पहले हम इसे बेल लेंगे, और अब ये मसाला जो है हम लेंगे और अच्छे से इस पर सेट करेंगे, एक साइड में सेट करेंगे ताकि हम जब इसको मोड़ें तो अच्छा आए। पानी लेंगे हम और चारों तरफ लगा देंगे ताकि ये सटने में जो है वो सुविधा हो, और अब इसको हम ऐसे करके मोड़ देंगे चारों तरफ से। ऐसा कुछ सेप होता है इसका, और हमने इसको ऐसे साइड तक रखना है जब तक पानी। और ये हमारा पानी उबल गया है तो हम इसमें अपने बनाए हुए गोझा को डाल देंगे। बहुत ज़्यादा एक ही साथ मत डालिएगा नहीं तो फिर मसाले टूट जाएंगे। इसमें जितना ज़्यादा स्पेस हो उसी हिसाब से डालिएगा। मैंने एक बार में सिर्फ 4 ही डाला है, और इसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर उबलने देंगे अच्छे से, जब तब तक ये अच्छे से पक जाएगा। और एक्चुअली मैं इस वीडियो का शॉर्ट डालने वाली थी बट ये इतना लंबा प्रोसेस है कि शॉर्ट्स में मैं अच्छे से समझा नहीं पाती, इसलिए मैंने इसे ब्लॉग में ऐड कर दिया है। होपफुली जब आप लोग ब्लॉग देखेंगे तो इस रेसिपी को अच्छे से समझ पाएंगे। और 20 मिनट के बाद हम इसे निकाल के ठंडे पानी से धो लेंगे, और उसके बाद इसको कट के फ्राई करेंगे जैसे कि आप आगे के प्रोसेस में देखेंगे। और ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, बस तो बस अब इसे निकाल लेंगे और कुछ नहीं। और बेटा के लिए यहाँ पे रोटी बन रहा है क्योंकि वो शायद ये नहीं खाएगा, वैसे तो वो सब कुछ खाता है बट शायद ये थोड़ा स्पाइसी है इसकी वजह से वो ना खाए, तो मैंने सोचा उसके लिए रोटी बना देती हूँ, दही से या फिर भुजिया से कुछ से भी खा लेगा। तो बस बेटे के लिए 2-3 रोटियाँ रेडी हैं, Thank you.
है दे दिया है, वो नाश्ता कर रहे हैं और देखिए मैं पूरे पसीने पसीने हो चुकी हूँ, तो थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। अभी तक मैंने शॉर्ट्स भी नहीं डाला है, तो पहले मैं उसे एडिट करके शॉर्ट्स में डालूँगी, देन देखते हैं आगे क्या होता है। तो बने रहिए, जैसा कि मैंने बोला कि कुछ नहीं है, फिर भी मैंने आप लोगों के सिफारिश से ब्लॉग शूट करना स्टार्ट किया है। देखते हैं ब्लॉग कितना दिन तक लंबा खिंचता है, या फिर आज ही ख़त्म हो जाए या फिर कल ख़त्म हो जाए। तो होपफुली मैं जो भी होगा ब्लॉग बनाना जारी रखूँगी आप लोगों के डिमांड पे। तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बने रहिए, देखते हैं कैसे क्या दिखता है। न्यू गाइस, कैसे हैं आप सब? एक्चुअली मैं सुबह के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बोला था कि मेरा तबीयत ख़राब था 4-5 दिन से, तो आज पूरे दिन मैंने बस रिलैक्स किया है, क्योंकि सडनली उठ के मैंने बहुत सारा काम कर लिया, तो थोड़ा लो फील करने लगी, तो मैंने मेडिसिन लेके आराम किया। और अभी शाम हो चुकी है और आप लोग भी बोल रहे हैं कि मैं चिल्ला के बोल रही हूँ, क्योंकि गाड़ियों की आवाज़ की वजह से शायद आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर ना सुनाई दे, इसलिए मैं ज़ोर से बोल रही हूँ। और मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी थी, तो मैंने बोला कि चलो शाम हो चुकी है और गर्मी का तो आलम पूछे मत, अभी भी मुझे पसीने चल रहा है, तो वहाँ पे चल के आपसे मिलती हूँ। एक्चुअली मैं अपने लिए नाइस सूट ढूंढने आई थी, बिग बाजार यहाँ पे जितना जगह भी था वो बंद हो चुके हैं। बिग बाजार में अच्छा खासा मिल जाता था कलेक्शन, बट अभी नहीं मिल रहा है। और मैंने एक दो मॉल देखा भी तो पसंद का नहीं था, देखते हैं ऑनलाइन ही मुझे मंगाना पड़ेगा। वैसे तो मैंने सोचा था कि ऑफलाइन ले लूँगी, बट नहीं मिल रहा है तो क्या करूँगी मैं, खास करके इसीलिए बाहर आई थी, बट अभी नहीं मिला तो देखते हैं। कुछ कॉस्मेटिक्स के भी सामान लेने हैं तो लेती हूँ कि क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और बाहर बहुत ह्यूमिडिटी है, तो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। अगर आपको दिख रही होगी तो जोरों की बारिश स्टार्ट हो चुकी है। जैसे शॉपिंग खत्म हुई जोरों की बारिश स्टार्ट हो चुकी है। एक तो इतना काउंटर पे भीड़ था, टायर्ड हो गया खड़ा खड़ा, मैंने कभी 1 घंटे से खड़ी थी मैं, उसके बाद जाके बिल्डिंग हुई। अब जल्दी जल्दी खतरों के खिलाड़ी मेरा फेवरेट है और वो स्टार्ट होने वाला है, और यहाँ पे बारिश की वजह से मैं रुक गई हूँ रास्ते में, क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश है और टू व्हीलर से जाना है, तो साथ में ये भी हैं तो भीग ना जाए, फीवर ना हो जाए। वैसे भी आजकल बहुत वायरल फीवर चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो बारिश रुके तब हम लोग निकले, और मैं नहीं चाहती खतरों के खिलाड़ी मतलब मेरा एक ही एपिसोड मिस हो। देखते हैं अगर बारिश ऐसे ही रही तो नहीं पड़ेगा, क्या करना है, बाकी घर जाके क्या बोल रहे थे अभी बोलो। बोलो
बारिश थोड़ी कम हुई है, हम लोग निकल लिए हैं घर की तरफ भी, कोई ठीक नहीं है। फिर अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाएगी तो फिर रुकना पड़ जाएगा, और मुझे किसी भी हालत में खतरों के खिलाड़ी मिस नहीं करना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ स्पीड में चलाइए और ध्यान से जहाँ ट्रैफिक ना मिले उस रास्ते से चलते हैं। तो बस पहुँचते हैं घर, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और बहुत ही अच्छा वेदर हो चुका है, जैसे गर्मी थी इतनी सी बारिश से मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है, फीलिंग इज गुड। तो आई थिंक घर पहुँच के भी ठीक लगेगा, तो बस चलते हैं, बने रहिए तब तक। मॉर्निंग यू गाइस, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। कल रात को रास्ते में भी बारिश हो चुकी थी और बहुत ट्रैफिक लग चुका था, फिर घर आते आते मतलब लेट हो चुका था, तो इसलिए मैंने आगे कुछ सूट नहीं किया। और अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और हम लोग नहा चुके हैं, जैसे कि देख रहे हैं मेरा बेटा आपको गुड मॉर्निंग विश कर रहा है, और ये भी स्नान कर चुका है, और हम लोग अभी चाय पियेंगे, मतलब मैं अभी चाय पीऊँगी और बेटा दूध पिएगा, उसके बाद ही क्या करना है, उसके बाद बेटा पढ़ाई करेगा। देन मैंने कल बहुत सारी शॉपिंग, कल बहुत सारी शॉपिंग की मैंने अपने लिए दो टॉप भी खरीदा। मैं नाइट सूट खरीदने गई थी बट मुझे नहीं मिला, तो मैंने दो टॉप खरीदा अपने लिए, मैं आपको दिखाऊंगी। बट अभी फिलहाल चाय पीते हैं और अपना पेपर पढ़ते हैं, और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। ये ड्रेस है जो मैंने लिया है, मतलब टॉप बोल सकते हैं, मुझे नाइट सूट दिखा ही नहीं, तो मैंने यही टॉप था जो मैंने लिया था, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा रही हूँ, और जब मैं इसको पहनूंगी तो ऑब्वियसली आप लोगों को दिखाऊंगी, दिखाना बनता है। कैसा लग रहा है मुझे आप ज़रूर बताइए कमेंट्स करके। और बहुत सारे ग्रोसरी का भी सामान लिया था मैंने, तो अभी मैंने चाय पीने के बाद बहुत सारा काम कम्प्लीट किया। सबसे पहले तो मैंने नाश्ता बनाया, देन घर के कुछ काम निपटाए, जो सामान कल लाया था खरीद के उस सबको शिफ्ट किया। उसके बाद मैंने सोचा कि रुकिए आप लोगों को मैं ड्रेस भी दिखा देती हूँ। तो ये ड्रेस था जो मैं लेके आई थी, और मुझे कोविड का बूस्टर डोज भी लेना है। मेरा दो डोज तो कंप्लीट हो चुका है, बट तीसरा डोज का भी मैसेज आ रहा है एक दो दिन से, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा है जाने के लिए। बट मैं सोच रही हूँ कि आज तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन कल परसों मैं याद से ले लूँ कोविड का बूस्टर डोज। लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो ज़रूर लीजिए, कोविड का वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, आपके हेल्थ के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोविड के केस फिर बढ़ने लगे हैं। पटना में तो आजकल फिर रोज़ पेपर में दे रहा है कि आज इतने केसेस मिले, कल इतने केसेस मिले, तो प्लीज़ इसको लाइटली मत लीजिए और अपना कोविड का वैक्सीनेशन ज़रूर से ज़रूर करवाइए। मैं भी होपफुली जल्दी एक दो दिन में करवा लूँगी, क्योंकि उसको डिले करना बिल्कुल अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। तो देखते हैं, और इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं अभी करने के लिए, और ऐसा कुछ होगा तो ब्लॉग बनाने गया है, कभी मोबाइल उठाया और ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो होप करती हूँ कि ये वीडियो छोटा मोटा सा आपको मेरा अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो क्या करना है, बहुत सारा प्यार देना है, और इस प्यार के लिए आपको मेरे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है। और उसमें कुछ भी नहीं जाता है, आप जैसे यूट्यूब खोलते ही हो, देखते ही हो वीडियो, तो प्लीज़ इतना सा काम तो कर ही सकते हो। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ सबसे चेक कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।